नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा जो है वो कक्षा नवमी के लिए विषय संस्कृत की है। संस्कृतम आज की कक्षा में हम अनुवाद प्रकरण अनुवाद का मतलब होता है किसी एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में कहना अनुवाद कहलाता है। किसी एक भाषा के वाक्य को अन्य भाषा में बदलना अनुवाद कहलाता है। किसी भी एक भाषा में लिखे हुए वाक्य को दूसरी भाषा में लिखना अनुवाद होता है। अनुवाद के अंदर आज हम जो मुख्य नियम पढ़ेंगे वो कर्ता क्रिया का जो संबंध है, कर्ता और क्रिया का जो अन्वय होता है, क्रियान्विति है अन्वय, उसको पढ़ेंगे। यानी किस वाक्य के साथ कौन सी, किस कर्ता के साथ कौन सी क्रिया का प्रयोग हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं वाक्य लिखूं, राम जाता है, राम जाता है। ये जो मेरा वाक्य है इसमें ये राम करता है, कर्ता यानी जो वाक्य के अंदर कार्य करने वाला होता है। सीधी सी भाषा में कर्ता का मतलब ही होता है करने वाला, कर्ता का मतलब होता है करने वाला। तो यह जाने की क्रिया करने वाला जो कर्ता है वो राम है। तो राम का तो कर्ता में हमारी प्रथमा विभक्ति लगती है, इसलिए राम है लिख दिया। अब ये जाता जो क्रिया है उसके लिए हमारे पास गम धातु होती है, जिसको रूप हमारे पास है गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति के रूप में चलते हैं। अब ये जो धातु हम लिखते हैं तो ये जाता क्रिया वर्तमान काल की है, तो वर्तमान काल के अंदर जब हम गम धातु के रूप लिखेंगे तो नौ रूप बनेंगे हमारे पास, गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, इस प्रकार से गच्छसि, गच्छत, गच्छत, इस प्रकार से नौ रूप बनेंगे। तो इन नौ रूपों में से क्योंकि सभी गम धातु का ही मतलब जाना होता है, तो यहां पर हम कौन सी क्रिया का प्रयोग करें कि वाक्य है वो शुद्ध रहे, इसके विषय में जो नियम है उन नियमों को आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो है किसी एक भाषा के वाक्य को दूसरी भाषा में बदलना या अन्य भाषा में बदलना अनुवाद कहलाता है। अब अनुवाद के अनुवाद में या संस्कृत अनुवाद में, संस्कृत अनुवाद में कर्ता क्रिया का नियम का नियम सबसे पहला जो नियम है, यदि वाक्य का कर्ता अहम, आवाम अथवा
अथवा वयम हो तो क्रिया के उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। यदि वाक्य का कर्ता अहम, आवाम अथवा वयम, ये तीनों ही अस्मद शब्द के कर्ता है। अस्मद के प्रथमा विभक्ति में एकवचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम बनता है। तो अगर कर्ता अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब, इनमें से हो तो क्रिया के उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। लेकिन उत्तम पुरुष में भी तो तीन रूप बनते हैं, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एकवचन के साथ एकवचन का, द्विवचन के साथ द्विवचन का और बहुवचन के साथ है बहुवचन का प्रयोग होता है। दूसरा जो इसमें नियम है, यदि वाक्य का कर्ता त्वम, युवाम अथवा युयम हो तो, अगर वाक्य का कर्ता त्वम, युवाम अथवा युयम हो तो क्रिया के मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। त्वम, युवाम, युयम का मतलब है युष्मत् शब्द की प्रथमा विभक्ति, तुम, दोनों, तुम सब। अस्तु, आगे तीसरा जो इसमें नियम है वो अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष का है, जिसको हिंदी में अन्य पुरुष भी कहते हैं और संस्कृत में प्रथम पुरुष कहते हैं, उसका नियम है। यदि वाक्य का कर्ता, जो हमने पहले और दूसरे नियम में पढ़े हैं, अहम, आवाम और वयम और त्वम, युवाम, युयम, तो यदि वाक्य का कर्ता इन नौ के अलावा, इन नौ का मतलब है अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, युयम के अलावा कोई संज्ञा या सर्वनाम, पद हो तो क्रिया के प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। और यदि वाक्य का कर्ता इन नौ के अलावा कोई संज्ञा या सर्वनाम पद हो तो क्रिया के प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। अब इसके जैसे हम कुछ उदाहरण लिखते हैं तीनों के ही, जैसे एक हम लिखते हैं मैं पढ़ता हूं,
रमेश खेलता है, तुम दोनों जाते हो, हम सब लिखते हैं, हम सब लिखते हैं, छात्र पढ़ते हैं। चलिए इतने वाक्य लिखे हमने। मैं पढ़ता हूं, इसमें पढ़ने वाला कौन है? मैं, करता मैं है, तो मैं यानी अश्वत शब्द का पढ़ता है। कितने पढ़ते हैं? एक व्यक्ति पढ़ता है, एक बालक पढ़ता है, तो एक वचन में। तो मैं को क्या कहेंगे हम? एक वचन तो अहम कहेंगे, अश्वत शब्द का करता है तो अहम, पढ़ता हूं। अब हमें ये पठ धातु के जो नौ रूप हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, पढ़ती पढ़ते पठंती पढ़सी पठते पठामी पठाव पठामा, इन नौ रूपों में से कौन सा प्रयोग इसके साथ करना चाहिए? तो हमारा जो नियम वो क्या कहता है कि अगर कर्ता अहम आवाम और वयम, तो ये अहम है, इसका मतलब है उत्तम पुरुष का प्रयोग करना है। तो उत्तम पुरुष में कौन से वचन का प्रयोग करेंगे? तो उत्तम पुरुष के एक वचन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये एक वचन है। तो क्या हो जाएगा वाक्य? अहम पठामी। बाकी क्या होगा? अहम पठामी। दूसरा वाक्य देखते हैं, रमेश खेलता है। तो रमेश तो करता है, एक है, एक वचन है, तो हम क्या लिखेंगे? रमेश। अब इसको प्रथमा विभक्ति में क्या बनता है? अकारांत शब्दों में विसर्ग लगता है, तो रमेश है। खेलता है रमेश, अहम आवाम वयम तीनों में से कोई नहीं है, त्वम युवाम युयम इन तीनों में से भी नहीं है। सॉरी, एक यहां पर थोड़ी सी इन, क्योंकि त्वम युवाम युयम और अहम आवाम वयम ये छह हुए, तो इन छह के अलावा, इन छह के अलावा तो हम युवा युयम और अहम आवाम वयम ये छह ही करता हुए ना, इन छह कर्ता के अलावा यदि कोई करता होता है तो, या कोई भी संज्ञा सर्वनाम करता होता है, तो प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। अब यहां पर न तो अहम आवाम वयम है, न त्वम युवाम युयम है, तो क्या कोई अन्य ही है इन छों के अलावा है? तो कौन से पुरुष का प्रयोग करेंगे? प्रथम पुरुष का। प्रथम पुरुष एक वचन, तो खेलता है तो खेलती, खेलती या क्रीडती, क्रीड धातु भी होती है खेलने में, क्रीडती। रमेश है खेलती अथवा क्रीडती। तुम दोनों तुम को क्या कहते हैं? तुम और तुम दोनों यानी द्विवचन में प्रयोग है। दो तो दो संख्या विशेष का प्रयोग किसमें होता है? द्विवचन में। तो तुम दोनों है यहां पर है, तो तुम दोनों को क्या कहेंगे? युवाम। क्या कहेंगे? युवाम। अब देखिए यहां पर कर्ता जो है वो है त्वम युवाम, और हमने क्या लिखा था? त्वम युवाम और युयम में से कोई कर्ता होगा तो क्रिया के मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा। अब जाने के अर्थ में गम धातु के मध्यम पुरुष का प्रयोग करना है, तो गच्छति गच्छते गच्छन्ति गच्छसि गच्छते गच्छत, मध्यम पुरुष द्विवचन का, तो क्या हो जाएगा? गच्छते। क्या होगा? गच्छते युवाम गच्छते। हम सब लिखते हैं। मैं का बहुवचन क्या होता है? हम। मैं का बहुवचन क्या होता है? यहां पर यह बात भी स्पष्ट रहे कि हिंदी में द्विवचन नहीं होता है, इसलिए हमें दोनों आदि शब्द
प्रयोग करने पड़ते हैं, लेकिन संस्कृत में अपने युवाम ऐसा ये जो है वो स्पष्ट यही कर देता है कि तुम दोनों ही इसका अर्थ है, द्विवचन है, इसलिए यहां पर दोनों जैसे शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं होती। हम सब, हम सबको कहेंगे वयम, अगर कर्ता वयम है तो अहम, आवाम और वयम के साथ क्रिया के उत्तम पुरुष का प्रयोग, तो लिखता, लिखना जो क्रिया है उसमें उत्तम पुरुष में क्या बनता है, लिखामि, लिखावः, लिखामः, तो वयम लिखामः, वयम लिखामः। छात्र पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं, तो छात्र पढ़ते हैं, अब यहाँ पर छात्र एक है कि बहुत से हैं, इसके लिए हम इस क्रिया को देखेंगे, तो छात्र पढ़ता है ऐसा नहीं है, छात्र पढ़ते हैं, बहुवचन में प्रयोग है, तो हम क्या करेंगे, इसको बहुवचन में करेंगे, तो छात्र का बहुवचन क्या होगा, छात्रः, छात्रः। असुम, अब छात्र न तो त्वम युवाम युवम में से है और न ही अहम आवाम और वयम में से है, कोई तीसरा ही, इन छह के अलावा कोई और है, सातवां है, तो इन छह के अतिरिक्त कोई भी होता है तो प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं, और प्रथम पुरुष में कौन सा वचन है, यहाँ पर बहुवचन, क्योंकि छात्रा बहुवचन है, तो जो प्रथम पुरुष के तीनों रूप उनमें से बहुवचन वाला का प्रयोग है करना है, तो क्या हो जाएगा, पढ़ती पढ़ते हैं पठंती, पठंती। अस्तु, आगे जैसे हमने ये, अब इसको हम संक्षेप में भी देख सकते हैं, देखिए संक्षेप में अगर इसको देखिए, इसे लिख करके प्रस्तुत, अगर समझने के लिए, हमें याद रखने के लिए, एक क्रिया का में इधर में नौ कर्ता रूप लिखता हूं, कर्ता रूप मैंने लिखे, एक तो मैंने लिख दिया यहां पर सह, तौ, ते, एक मैंने लिख दिया त्वम, युवाम और युयम, और एक मैंने लिख दिया अहम, आवाम और वयम, ये नौ मैंने कर्ता के रूप लिखे हैं, अब और ये जो नौ है इनके वचन है, ये एक वचन में है, ये द्विवचन में है और ये बहुवचन में है, ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष है। अब ऐसे ही मैं किसी धातु के रूप लिख देता हूं, जैसे पटना पट धातु है, उसके मैं लट लकार में रूप लिखता हूं, तो इसी प्रकार से नौ रूप बनेंगे मेरे पास, पठती, पठते हैं, पठंती, पठसी, पठते हैं, पठत, पठामि, पठावः, पठामः, ये मैंने, ये एकवचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन, ये मैंने इसके रूप लिखे हैं पट धातु के, ये प्रथम पुरुष है, ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, ये उत्तम पुरुष, ये जो मैंने लिखे, ये एक तरफ मैंने कर्ता लिख दिए, एक तरफ मैंने
ये कर्तापद है और ये क्रियापद है। इसको हम संख्या देकर के इस नियम को निर्धारित कर सकते हैं। जैसे एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ और इधर भी क्या है एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ। अब हमें कोई भी वाक्य बनाना है तो यहां पर सह तव ते का मतलब है, ये मैंने एक उदाहरण के रूप में लिखे, बाकी इन छह के अलावा सातवां कोई भी एक वचन है। जैसे यहाँ पर राम भी आ सकता है, यहाँ पर बालिका भी आ सकती है, यहाँ पर छात्र भी आ सकते हैं, यहाँ पर रमेश सुरेश महेश इत्यादि कुछ भी आ सकते हैं, यहाँ द्विवचन का उसका और यहाँ बहुवचन का। अब अगर हमें वाक्य बनाना है, जैसे वापिस मैं कुछ उदाहरण लिखता हूं, बालक खेलते हैं, हम देखते हैं, तुम पढ़ते हो और राम जाता है। ये मैंने कुछ उदाहरण लिखे। यहां बालक, ये बालक इन नीचे वाले छह में से कहे नहीं, यहां पर सह का मतलब क्या है कि इन छह के अलावा कोई सातवां होगा, तो ये बालक सातवां है। ये एक नंबर वाले में से आ रहा है तो इधर की विक्रिया वाला जो है वो एक नंबर वाला रूप लिख देंगे, ठीक है। तो बालक का क्या हो जाएगा, बालक है। और खेलना, यहां पर धातु की जगह खेल धातु करेंगे या क्रीड धातु करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रीडति, क्या हो जाएगा, क्रीडति। ऐसे ही हम यानी ये वयम, ये नौ नंबर वाला आ रहा है, ये नौ नंबर वाला है, हमको क्या कहेंगे, वयम कहेंगे। ये नौ नंबर वाला है तो ये इसको भी हम देखना धातु, देखने के अर्थ में जो दृश्य धातु है, दृश्य धातु होती है, देखने के अर्थ में उस दृश्य धातु का हम नौ नंबर वाला रूप लगाएंगे। तो यहां पर हमने लगाया वयम, तो यहां पर दृश्य धातु का नौ नंबर वाला रूप क्या बनेगा, यहां पर दृश्य धातु के जो लट लकार में रूप है वो पश्यति पश्यत के रूप में चलते हैं, तो क्या हो जाएगा यहां पर पश्याम। ये नौ नंबर वाला है तो ये भी नौ नंबर वाला, वयम पश्याम, तुम पढ़ते हो तो तुमको क्या कहेंगे, तुम कितने नंबर वाला है, चार नंबर वाला, तो इसमें हम चार नंबर वाली क्रिया रूप प्रयोग करेंगे, तो पठ धातु के रूप लिख रखे हमने, तो क्या हो जाएगा पठसी, क्या हो जाएगा पठसी। राम जाता है तो राम करता है तो राम है, राम कितने नंबर वाला है, एक नंबर वाले में से क्या, क्योंकि इन छह के अलावा जो भी आएगा एक वचन में ये यही आएगा, तो एक नंबर वाले में से है तो ये एक नंबर वाला करता लिया हमने, एक नंबर वाले भी क्रिया लेनी करनी है। जाने के अर्थ में गम धातु, गम धातु का गच्छति, गच्छति। इस प्रकार से हम किसी भी वाक्य का, जैसे आवाम पठावे है आठ नंबर के साथ, इन्हीं में से हमें युयम पठत, युवाम पठता है, ये वाक्य हम सीधे बना सकते हैं, केवल सीधे नंबर लगा करके हम ये वाक्य बना सकते हैं। जैसे तुम दोनों, तो युवाम पांच नंबर पर है तो ये पांच नंबर वाला पठता है, तुम दोनों पढ़ते हो, यहां पर जो भी हम धातु लेवे उसका हो जाएगा। सह यानी वह, तो एक नंबर पर सह पठती, तव यानी वे दोनों, तो तव पठते हैं, अस्तु। ये इतना जो अनुवाद प्रकरण का जो मुख्य, जिसमें कर्ता के अनुसार क्रिया लगाने का
जो जो प्रक्रिया है उसकी, वो आपके अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। इसका अच्छे से अभ्यास करना है। वापिस आगे की कक्षा में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।